हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सभी प्रकार की दालों के नाम हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चना दाल। चना दाल को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट येलो चिक पीस, या इसके अलावा हम इसे कहते हैं ग्राम स्प्लिट। ये है साबुत मूंग की दाल को इंग्लिश में कहते हैं होल ग्रीन ग्राम। छिलके वाली मूंग दाल को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट ग्रीन ग्राम। यह है बिना छिलके वाली मूंग दाल को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट एंड डीहस्क्ड ग्रीन ग्राम। मसूर दाल या लाल दाल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेड लेंटिल। ये है उड़द की दाल को इंग्लिश में कहते हैं होल ब्लैक ग्राम। छिलके वाली उड़द की दाल को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट ब्लैक ग्राम। धुली हुई उड़द की दाल को कहते हैं हस्क्ड ब्लैक ग्राम। मोठ या मटकी दाल को इंग्लिश में कहते हैं मोठ बीन्स। सोयाबीन को इंग्लिश में कहते हैं सोयबीन। सफ़ेद मटर को इंग्लिश में कहते हैं वाइट पी बीन्स। सफ़ेद चना, जिसे हम छोले भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाइट ग्राम, या इसके अलावा हम इसे बोलेंगे वाइट चिक पीस। काला चना हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ग्राम, या इसके अलावा हम इसे कहते हैं ब्लैक चिक पीस। ये है राजमा, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं रेड किडनी बीन्स। ये है काला राजमा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक किडनी बीन्स। सफ़ेद राजमा को हम कहते हैं वाइट किडनी बीन्स। ये है लोबिया, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक आइड बीन्स। साबुत मसूर को इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन लेंटिल। ये है अरहर की दाल, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट येलो ग्राम। ये है कुल्थी, इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स ग्राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और लर्निंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।